पहला वीकली, और मैं आपको ऑलरेडी इस बारे में बता चुका हूँ कि ये हर मंडे इसी तरह शेड्यूल में लिखा हुआ है और होगा, और ये अंडरस्टूड है कि व्हाट इज द पावर ड्यूरिंग दैट पीरियड मस्ट बी इंक्लूडेड कम से कम केमिस्ट्री के लिए होता है। तो आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमारी क्लास सैटरडे को और संडे को भी होगी और मंडे को भी होगी और मंडे को टेस्ट। तो बहरहाल मंडे को जो चीज़ें हम करेंगे उसको तो शामिल करना जाती है, लेकिन संडे वाली तक नहीं होगी, हम डालेंगे। तो कुछ हम आज पढ़ेंगे तो कुछ हम संडे को पढ़ेंगे, विल बी द पार्ट ऑफ दी दैट टेस्ट ओके कमिंग मंडे को। लेकिन पहले इस मंडे वाली बात को पूरा कर लें, क्वेश्चंस पे आपके सामने मैं रीड करूँगा और फिर उनके जवाब बताऊँ, ताकि ये अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन थी तो वो दूर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी भी थी हमने, कॉन्सेप्चुअल चीजें भी पूछी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कंपाउंड, दैट वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और उसमें ऑप्शन दिए गए थे, प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, और प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एलिमेंट। मेरा ख्याल है हमें साफ पता चल रहा है कि कंपाउंड इज अ सब्सटेंस व्हिच कंपोज ऑफ टू टाइप्स ऑफ एटम। तो वो टू टाइप्स ऑफ एटम जो थे वो ऑप्शन था हमारा टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम, दैट्स ऑप्शन बी। तो पहले वाले सवाल में सिंपली योर आंसर इज, दूसरे वाले में हमने कहा कि ये थ्योरेटिकली था, फॉर्मूला लिखा ग्लूकोज का C6H12O6 इज अ कॉमन कंपाउंड मेड अप ऑफ, आप बताइए इसमें कितने एलिमेंट और कितने एटम्स हैं। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीन एलिमेंट थे और इनके एटम्स अगर जमा करें तो कार्बन की 6 एटम, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की 12 और ऑक्सीजन की 6, तो 24 एटम्स बनते हैं। तो लास्ट ऑप्शन में था डी एलिमेंट्स एंड ए टोटल ऑफ 24 एटम्स, तो ये बनता है ऑप्शन। उसके बाद हमारा तीसरा भी सवाल कुछ प्रैक्टिकली था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एटम इज इनकरेक्ट, यानी जो बातें लिखी गई थी उनमें से कोई एक बात ऐसी थी जो एटम के लिए ठीक नहीं थी। ये कहना कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट एंड स्टिल हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, इन शॉर्ट इट इज द स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, यस इट इज ऑफ कोर्स। फ्री आइसोलेटेड एटम्स आर रेयरली इनकाउंटर्ड इन नेचर, हमें अकेले एटम्स बहुत मुश्किल मिलते हैं, अमूमन एटम आपस में मिलकर ग्रुप बनाते हैं जिन्हें आप मॉलिक्यूल कहते हैं, तो मिलते हैं बहुत ही रेयर, जैसे नॉर्मल गैसेस में होते हैं हमारा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, एटम मे बी डीकम्पोज यूजिंग केमिकल चेंज, एटम कैन नॉट बी डीकम्पोज ड्यूरिंग केमिकल चेंज, एटम डीकम्पोज होते हैं और वो प्रोसेस फिजन फ्यूजन फिजन कहलाता है, वो न्यूक्लियर रिएक्शन वेरी अल्ट्रा एडवांस थिंग। तो केमिकल चेंज के दौरान एटम्स नहीं टूटते, तो इसलिए ये एटम के बारे में गलत बात है। जबकि आखिरी भी बिल्कुल सही थी कि वन काइंड ऑफ एटम मे बी प्रेजेंट इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब है सी इज द राइट आंसर, दैट इज द स्टेटमेंट व्हिच इज रॉन्ग अबाउट द एटम। और उसके बाद अब अगर हम करें चौथा सवाल, तो अब यहाँ से कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स थे, ये थोड़े से कैलकुलेशन टाइप के सवाल थे, तो उनकी वर्किंग भी साथ में दिखा दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन इम्पीरिकल फॉर्मूला, देखिए इम्पीरिकल फॉर्मूला वो है जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, यानी जिसमें से अब मजीद कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता। तो आपने ऑप्शंस में देखते तो फर्स्ट ऑप्शन H2O2 है, उसमें से टू कॉमन ले सकते हैं आप, C2H4 सेकेंड ऑप्शन था उसमें से भी टू कॉमन ले सकते हैं, तीसरा C6H12O6 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन जो चौथा ऑप्शन था VAO2 उसमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो डी इज द राइट आंसर। फिर पांचवें नंबर पर हमसे सवाल किया गया, कंपाउंड कंटेन्स 24 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। वेल यहाँ से कैलकुलेशन थी, और आपको इस तरह के बहुत सारे सवाल अब हमने करा दिए थे, जिसमें ये हमें पहले एटम दिए मार्क दिया जाए कार्बन का, तो कार्बन का जो भी एटॉमिक मास दिया हम उसे फौरन उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, सो दैट हाइड्रोजन के साथ भी ऐसा ही करेंगे, तो उसे भी हम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। तो अब अगर ऐसा होगा तो लीस्ट रेशियो क्या है, वो 2 है, तो भाई ये 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और 4 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये जवाब आ जाएगा 1 और ये जवाब आ जाएगा 2, इस तरह हमारा आंसर आएगा CH2, और CH2 इज आर ऑप्शन बी। अब हमारा छठा सवाल देखते हैं, तो छठे सवाल में हमें इम्पीरिकल फॉर्मूला एक कंपाउंड का दिया गया है CH2, और बताया पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बताइए उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के मुताबिक कौन सी बात ठीक है। तो अगर किसी का इम्पीरिकल फॉर्मूला CH2 हो तो ये कहना
ओनली वन मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सी एच टू इज पॉसिबल, ये तो कोई बात नहीं, फॉर्मूले को आप रोल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए तो बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, ये बात हमने आपको बताई थी। और ओनली वन मॉलिकुलर फॉर्मूला सी टू एच टू इज पॉसिबल, तो सी एच टू अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला हो तो सी टू एच टू तो हो ही नहीं सकता। मोर देन वन कुड बी दी मॉलिकुलर फॉर्मूला फॉर सी एच टू इज दी राइट आंसर, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है बताने की बात हुई, तो सी इज दी राइट आंसर। सातवें नंबर पर हमने फिर इसी तरह का सवाल दिया कि आपको कार्बन और हाइड्रोजन के मासेस गिवन है, यू शुड गो फॉर दी कैलकुलेशन फॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आपकी दफा कार्बन हमें दिया गया है 12 ग्राम, उसको 12 से डिवाइड किया आंसर बनाया, हाइड्रोजन दिया गया 1.5 ग्राम, उसको 1 से डिवाइड किया 1.5 आया। नजर आ लीस्ट रेशो 1 ही है, तो 1 को 1 से डिवाइड करें वही रहेगा और 1.5 को भी 1 से डिवाइड करें तो वही रहेगा, तो इसका मतलब है आपके पास सिंपल रेशियो 1 और 1.5 आया। 0.5 आने पर हमें याद है कहा गया था कि इसे ट्वाइस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और इसे भी ट्वाइस करेंगे ये 3 हो जाएगा, तो योर आंसर शुड बी C2H3 और C2H3 इज ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो गई। फिर क्वेश्चन नंबर 8, केमिकल फॉर्मूला फॉर ए मॉलिकुलर कंपाउंड रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, ऐसी बात है अगर मॉलिकुलर कंपाउंड है तो केमिकल फॉर्मूला जो है वो मॉलिक्यूल को जाहिर करता है, और मॉलिक्यूल को जाहिर करता है तो ये ऑप्शन हो गया। तो 9th क्वेश्चन में हमने आपसे कहा था मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला M2SO4 इज 142, सो इसका एटॉमिक, इस तरह का एक क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, इसे थोड़ा सा और मैंने बनाया था। बहरहाल M2SO4 एक कंपाउंड है और उसका मॉलिक्यूलर मास 142 है। अब इसमें सल्फर 32 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, वो कह रहे हैं एम क्या होता है ये बताइए, एम किसी एलिमेंट का सिंबल नहीं, हमने से एक तरह से डमी सिंबल के तौर पर आपके सामने लिखा है, तो अब कैसे होगा, तो मैंने आपको उसका तरीका बताया था कि आप सीधी सी बात करें कि एम का मॉलिकुलर मास फर्स कर लेते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ एम इज एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स के दो एटम है तो ये हो जाएगा 2x, सल्फर एक है 32 से मल्टीप्लाई होगा ये 32 आ गया, ऑक्सीजन 4 है 16 से मल्टीप्लाई होगा 64, इन सब को जमा करेंगे तो 64 और 32 जमा होंगे तो 96 बन जाएंगे, प्लस 2x होगा और आंसर आना चाहिए 140। इक्वेशन को सॉल्व करें तो 142 में से 96 माइनस करेंगे ये बचेगा 46, ये 2x है, मुझे चाहिए x, तो 46 को 2 से डिवाइड करूंगा और आंसर आएगा 23। तो थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ गई और ये है 23 विच इज माई ऑप्शन सी। और फिर इसी तरह आखिरी लास्ट क्वेश्चन वाज 10, और वो 10 है इसी तरह का कि एक कंपाउंड हमने दिया है आपको निकिल और ब्रैकेट में सी ओ और टाइम्स एक्स, और कह दिया कि इसका मॉलिक्यूलर मास 171 बनता है, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या है, ये आपका ख्याल, आपको क्या करना है इसमें कि निकिल यहाँ कितने हैं, निकिल माशाल्लाह यहाँ पर एक ही है और उसका एटॉमिक मास गिवन है 59, कार्बन यहाँ कितने हैं एक्स, कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो गया 12x, ऑक्सीजन का कितने हैं एक्स, उसका एटॉमिक मास 16 हो गया ये हो गया 16x, तीनों को जमा करेंगे तो जवाब आएगा 59 प्लस 28x और आंसर आना चाहिए 171, एक्स निकाल लेते हैं 28x 171 माइनस 59 ये हो जाएगा 28x इज इक्वल्स टू 112, एक्स हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाय 28, आंसर आएगा 4। तो अभी जो 4 जवाब आया है हमारा दिस इज ऑप्शन सी, तो अगेन द आंसर इज, ये हमारे पास आपके पहले टेस्ट की तमाम जवाब का रिव्यू हो गया। अब अगर किसी बच्चे ने मिस किया है तो ये पहली शीट है जिसमें आंसर बताए हैं, क्योंकि चार क्वेश्चन के प्रैक्टिकल थे तो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताया है, जिसमें वर्किंग चाहिए थी तो मैंने आपके सामने वर्किंग दी थी। अच्छी तरह से देख सकते हैं ये फर्स्ट स्लाइड थी और ये सेकंड स्लाइड थी, ठीक हो गई बात। सो अब आगे बढ़ते हैं।
हमने आपसे कहा लास्ट टाइम कि इवन लिटो टेस्ट के पुराने टॉपिक का था, अब तो हम ये भी कर चुके हैं कि इंपीरिकल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, अब तो हम ये भी कर चुके हैं, बल्कि करना शुरू किया था व्हाट इज मोल, और उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। तो ड्यूरिंग दिस वीक बिफोर योर नेक्स्ट क्लास ऑन संडे, आपको भी मैं एक असाइनमेंट दे दूंगा कि इंशाल्लाह ताला आज हम मोल से मुताल्लिक जो बातें कर लेंगे वो, और इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले टेस्ट में हमने रखे भी सीधा एमसीक्यू या दो ही क्लासेस होंगी, तो ये एक 15 के करीब एमसीक्यू का मैं आपको एक असाइनमेंट बनाकर इंशाल्लाह इसी वीक में किसी वक्त ग्रुप में इसका लिंक डालूंगा। इसी तरह होगा, गूगल ड्राइव फॉर्म होगा आपके पास और आप इसे सॉल्व करेंगे, और ये आपके ऊपर है कि उसे टेस्ट के तौर पर रखते हुए अपनी स्किल्स जांचते हुए बाकी की तरह हमारा, मैं उसे इसलिए असाइनमेंट का नाम देता हूँ कि वो टेस्ट के नाम का प्रेशर है बच्चा को, तो अननेसेसरी हमें चीज़ों को मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप माशाल्लाह अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आपकी ईमानदारी मेरे लिए किसी शब्द से लेकर वाला कर रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा उसे अपनी स्किल्स के हिसाब से करेगा और इसका प्रैक्टिस। और अब वैसी बात है, ये भी अंदाज़ा आपको हो गया है कि मेरी भी नो सेकेंड ईयर एग्जाम जो हालात आ गए हैं, तो उससे अब 99% ये बात कन्फर्म हो गई है कि इवन दो सिम वाले कुछ रेजिस्ट कर रहे थे, तो दिस इज नॉट फॉर टेकिंग एग्जाम ऑफ सेकेंड ईयर, बल्कि उनका हिसाब ये था कि वो सिर्फ ये हमें एक आधे दिन में बता देंगे कि वो बच्चे को इम्प्रूवमेंट वाले थे या सफली वाले थे, उनको प्रमोशन करने के लिए क्या करना होगा, लेकिन द केसेस विच आर नॉर्मल वो जो है जो फर्स्ट ईयर के सारे पेपर्स क्लियर किए हुए हैं और उनकी परसेंटेज अच्छी थी, जैसी बात है वही समझ लीजिए कभी हमारी सेकेंड ईयर की परसेंटेज। तो इसका मतलब ये कहना है कि आप कम से कम ये जहन में उसका हर्डल मत रखें, आप 24 आवर्स आपकी तवज्जो से कैसे कंटिन्यू ऐसे होनी चाहिए। अगर हमारी नज़र से गुजरा हो, कल हमने ग्रुप पे भी शेयर किया था कि यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन कमीशन जो हमारा यूनिवर्सिटी से डील करता है, उसने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि अब आप मिड जुलाई के बाद से एडमिशन्स यूनिवर्सिटी वाले अपनी एडमिशन्स की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक यूनिवर्सिटी ने पास ने तो प्रोग्राम भी जारी कर दिया है, ऑल्दो दे आर ऑल टेंटेटिव बिकॉज नोबडी नोस आफ्टर व्हाट हैपेंस आफ्टर मिड ऑफ जुलाई 2019, लेकिन ये अच्छी उम्मीद रखते हुए उन्होंने ऐसा किया। तो इसका मतलब ये है कि हमने से हर एक जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता है, कम से कम मिड जुलाई से पहले उसमें कुछ नहीं था, और मिड जुलाई के बाद भी जो हमारी मेन टारगेट वाली यूनिवर्सिटीज हैं एनएडी और प्री मेडिकल में, तो सारा जो एक एंटी टेस्ट और मिला के सबका किया जाता है एनटीएस, तो वो भी इतनी जल्दी नहीं होता हमारा, वो टाइम लेके होगा। लेकिन अब बीच में ये नहीं है कि अब आप इसे पता नहीं, शायद एनुअल एग्जाम होते तो हम उस पर इन्वॉल्व होते, अब आपको सिर्फ उसी पर इन्वॉल्व होना, तो हमारे लिए भी क्लियर हो गई, तो हम भी अब थोड़ा सा अपना हिसाब किताब तेज करने के चक्कर में होंगे। मैंने डेटिंग बताई थी और मैंने आपसे कहा था कि देर आर 3 डिफरेंट इंफॉर्मेशन विच कैन बी कन्वर्टेड टू मोल्स, ठीक है ना, और अब हम चाहते हैं कि हम एक एक करके उनकी बात करें, ठीक है। क्विकली पहला और सबसे कॉमन फॉर्मूला मोल का होता था जब हमें किसी भी चीज का मास इन ग्राम दिया जाए और हम उसे उसके मोलर मास से डिवाइड करें, और ये बात मैंने आपसे कह दी थी, मोलर मास इज अ कंबाइंड वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फॉर्मूला मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 3 अलग अलग की जगह हम एक लग, तो ये एक फॉर्मूला बना मोल का। और मेरा ख्याल है कि इतनी समझदार तो हम सब हैं कि इससे एक फॉर्मूला डिराइव भी हो जाता है। अब अगर कोई कहे कि मुझे मास इन ग्राम का फॉर्मूला चाहिए, तो वो बन जाएगा मोल इनटू मोलर मास, ठीक है ना। तो अब मैं आपके सामने एक छोटे छोटे सवाल रखता हूँ जिसमें इन दोनों की जरूरत हमें पड़ सकती है, तो ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो कैलकुलेट डी
नंबर ऑफ मोल्स इन, सो फर्स्ट 30 ग्राम CH3COOH एंड सेकेंड 540 ग्राम C6H12O6। तो अब इन दोनों में हमें मोल्स निकालने हैं और हमें मास इन ग्राम क्लियरली गिवन है, 30 ग्राम गिवन है यहाँ 5, और जो चीजें हैं वो ऐसी बातें दोनों जगह अलग अलग हैं, जगह ऐसे थे कैसे पहचानते हैं हम दूसरी जगह ग्लूकोज। यूजिंग द फॉर्मूला वी हैड फॉर, अब ऐसी बात है ये न्यूमेरिकल्स तो है नहीं कि आप डेटा बनाएं, आप फॉर्मूले का हवाला दें, फिर सवाल करें, उतने में सारे लोग पेपर पर निकल चले जाएंगे। तो आपको तो ये मैं सिखाने के लिए फॉर्मूला भी लिखता हूँ और नेसेसरी स्टेप भी करता हूँ ताकि आपको समझ आए मैंने क्या किया, लेकिन आपकी स्किल ऐसी हो कि ये काम जबानी है, आपको अंदाजा है मास को मोलर मास से डिवाइड करना, इस फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, बैठे हुए फॉर्मूला लिखें फॉरन डिवाइड करें। हाँ, जो चीज़ आपको थोड़ी सी देर परेशान कर सकती है वो नहीं करनी चाहिए, प्रैक्टिस हो जाए तो ये कि आपको फॉरन और सही इसका मोलर मास निकालना है। अब अगर इसमें जल्दी में कहीं गलती कर दी तो सब फर्क, उसमें एसिटिक एसिड CH3COOH हमने निकाला भी था, तो अब हमें याद है कि कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, यहाँ 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो ये निकलता है 60, तो मोल हो जाएगा इस लिहाज से 30 को डिवाइड कीजिए 60 से, 60 की मॉलिकुलर मास ऑफ CH3COOH निकाल कर देखिएगा और आंसर आ जाएगा 0.30, और 60 को डिवाइड करना भी बड़ा आसान है, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 3 2 60 हो गया हाफ। और छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आप याद रखेंगे, मैं बार 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 ये बताता रहूँगा कि जो सिंपल फ्रैक्शन होते हैं जैसे मिसाल के तौर पर 1/2 है उसका मतलब होता है 0.5, ये डेसिमल फ्रैक्शन में ऐसे है, सिंपल फ्रैक्शन में ऐसे है। इसी तरह अगर वो 1/3 तो ये है 0.33, इसी तरह अगर वो 1/4 तो ये होता है 0.25, इसी तरह वो अगर 1/5 तो ये होता है 0.2। तो बेशक आप पहली दफ़ा मेरी बात की तस्दीक के लिए डिवाइड करके देखें, लेकिन उसके बाद कोशिश ये होगी सिंपल फ्रैक्शन याद हो ताकि कहाँ ये आ रहा है फौरन हम प्रूव कर सकें। तो बहरहाल ये हाफ मोल हो गया, इधर आइए तो यहाँ भी यही हिसाब है, मोल का फॉर्मूला 540 शुड बी डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6, फिर वही टूटी चाहिए कि हम जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर सकें कि 6 कार्बन है 12 को मल्टीप्लाई करें 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन ये निकलेगा 180, फिर वही कहानी 0 से 0 कैंसिल 18 बन जाए 18 18 18, आंसर छुट्टी थी। अगेन जितनी क्विक आप टेबल पढ़ेंगे उतना अच्छा है। फिर मैं नसीहत करूँ जंप मत लगाइएगा, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, दो तीन दफ़ा मुझे टोका गया जब मैं अल्लामा में क्लास दे रहा था, मैंने इसी तरह बच्चों की तरह कैलकुलेशन की तो कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा किया और मुझे बताया कि सर ये तो हम इससे भी जल्दी इस तरह कर सकते हैं, तो उस वक्त भी मैंने ये गुजार की कि मैं आपसे तो मुकाबला नहीं कर रहा हूँ, अगर आप मुझसे जबानी कैलकुलेशन के किसी के मुकाबले में आ रहे हैं बहुत पछता आएंगे। उसकी वजह सिंपल ये नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ, सिंपल वजह ये कि हम जिस जनरेशन में थे 1980s जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कैलकुलेटर नाम की चीज़ नहीं आई। आपको शायद सुनकर हैरत हो, क्लास 8 में पहली दफ़ा मैंने कैलकुलेटर देखा था अपने दोस्त के हाथ की तरफ, तो कैलकुलेटर एक बहुत ही कोई पहुंची हुई चीज़ मानी जाती थी, जो बहुत कम यानी अब्बा के पास देखते थे बहुत बड़ा कैलकुलेटर जिससे उसका हिसाब करते थे, लेकिन बच्चों के हाथ में आ जाए उसका नतीजा क्या है, बच्चों को काम तो हमें करना है, वही चीज़ें पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हैं, तो वो जबानी करनी है, तो जबानी करनी है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पनिशमेंट भी होती थी, तो हमारी क्विक कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी क्योंकि हमें उसी अंदाज से सिखाया गया, हमारे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कैलकुलेटर ही नहीं होगा तो करना तो है, तो फ्रैक्शंस की कैलकुलेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, टेबल, डॉजिंग, इवन डेसिमल के टेबल, इस स्किल में बहुत आगे हैं। लेकिन ये स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है, कि किसी का ये कहने कि मैं बहुत ज़हीन था इसलिए मुझे आगे, ऐसा नहीं है, इसका जहानत से नहीं, इसका प्रैक्टिस से ताल्लुक है। तो अब इस वक्त हमारे पास जिन बच्चों के पास इत्तेफाक से तरबियत जैसी हुई या बचपन में उनके उन्होंने खुद से कोशिश करके होता है, बच्चों को शौक होता है बड़ा, टेबल उनकी कैलकुलेशन अच्छी, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन जिनकी नहीं है मैं उनके लिए ये बिल्कुल बेसिक अंदाज से बता रहा हूँ। यानी मेरा नसीहत ये है कि अगर कोई आदमी चाहता है, उसकी कैलकुलेशन बुरी थी, वो कैलकुलेटर डिपेंडेंट था और अब करना चाह रहा है, तो टाइम लगेगा, भागना नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। और उसका तरीका ये है कि टेबल एक्सेल। और जब ये कैलकुलेशन मैं करता हूँ तो आप भी खुद करें, डायरेक्ट आंसर नहीं उठाएं। और अगर मैंने तो कर दी, फर्स्ट कर लें 20 सेकंड में, आपको 2 मिनट भी लगते हैं तो लगने दीजिए। अभी फिलहाल टाइम से मत लड़िए, अभी फिलहाल ये सोचिए कि मुझे सवाल हो जाए, चाहे वो सवाल 1 मिनट की जगह 3 मिनट हो, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह कैलकुलेशन करूँ। आप ये काम 10 दफ़ा करेंगे तो 11वीं दफ़ा खुद ही आपके अंदर तेजी आ जाएगी, क्योंकि एक ही चीज़ से बार बार करेंगे तो तेजी खुद निकल आएगी, वही टेबल बार बार पढ़े जाएंगे तो तेजी खुद निकल आएगी। अब मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं इस दूसरे जो नीले रंग से हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी इसी से ड्राइव, उसकी बात करें। और अगर हम सवाल यूँ करें, कैलकुलेट डी मास ऑफ, और अब हमारा पहला क्वेश्चन है 5 मोल्स ऑफ वाटर, और दूसरा क्वेश्चन है 0.1 मोल ऑफ आयरन। तो अब ये कैसे होगा? तो अब सवाल ये है कि हमें मोल गिवन है और मास पूछा गया है, तो इसका मतलब है अब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जिसमें हम मोल से मोलर मास को मल्टीप्लाई करके मास निकाल निकालते हैं। तो अब मेरे पास जो चीज़ें मौजूद है उसमें वाटर का तो इशू नहीं है, सबको पता है हाइड्रोजन इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 16, और आयरन का अगर नहीं भी पता है तो ये मैंने बता दिया 6। तो अब अगर हम करते हैं इस मसले को तो क्या बनेगी बात? वही बात है, बार बार फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट करना है। तो अब मास 5 मोल मल्टीप्लाई बाय वाटर का मोलर मास 85/90 क्या इनके सवाल आ रहे हैं। ये आपके एक्चुअल फर्स्ट ईयर में भी ये सारे सवाल जब आते थे तो एक एक मार्क्स के आते थे, या तो शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में ऐसे 4 मिला के देते थे, या फिर वो एमसीक्यूज में देते हैं। तो ये इसलिए हमारे लिए बड़ा आइडियल पार्ट है एमसीक्यूज के हवाले से। मास यहाँ निकालेंगे 0.1, आयरन का मोलर मास बेसिकली उसका एटॉमिक मास ही होगा, आईपी अलग ही है, तो 56 से मल्टीप्लाई करें, 0.1 को 56 से मल्टीप्लाई किया 5.6 हुआ। इस तरह ये जो पहला फॉर्मूला है जो मास इन ग्राम से चलता है उसकी दोनों स्टाइल से हमने क्वेश्चन करके है ना, अभी बहुत कुछ करना है तो अभी मैं पहली पहली जमा करके आपको बता रहा हूँ। तो अब दूसरी टाइप का क्वेश्चन, दूसरी टाइप का फॉर्मूला वो है कि मोल should be equals to number of particles divided by Avogadro's number। इस मामले को हम आसान कहते हैं, वजह उसकी बड़ी सिंपल है। लेकिन पिछले वाले में जब मैंने आपसे ये फॉर्मूला कहा और अब हमने मास इन ग्राम को मोलर मास से डिवाइड किया, तो जिस जिस चीज के मोल निकालने जाते थे सबका मोलर मास अलग अलग है, जो मुझे निकालना पड़ता था। इस सवाल को करते वक्त जिस बच्चे को देर लगी उसे देर ही इसीलिए लगी कि डिवाइड करने से पहले आपको 13 से 60 को डिवाइड करना है, तो आपने ये 60 इससे निकाला, जिसको जबानी कैलकुलेट करने मुश्किल है। CH3COOH का मोलर मास निकालने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा, C6H12OH का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा। तो इस तरह इसमें ज्यादा वर्किंग थी, क्योंकि हमें हर चीज का मोलर मास हर दफा निकालना पड़ता है। लेकिन अब जो मैंने आपके सामने रखा है उसकी खास बात यह है, आपको किसी भी चीज के पार्टिकल्स लेना है, एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस, आपने हमेशा एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है, जैसे 6.02 टू 10 से डिवाइड करना है। जिसका मतलब ये है कि आपको तो ये भी पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किस चीज के पार्टिकल्स ले रहे हैं, ये किस एलिमेंट के एटम है या किस कंपाउंड के मॉलिक्यूल है, ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि जो भी है आपको तो हमेशा एक ही नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ इसलिए काम मेरा जल्दी होगा। अच्छा, इसका भी एक ड्राइव फॉर्मूला बन जाता है। और ये क्या है कि अगर हम आपसे पार्टिकल्स पूछ लें, मोल आपको बता दें, तो फिर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों तरीकों से सवाल आंसर जल्दी से करूं। मेरा पहला क्वेश्चन फिर यही हो गया, कैलकुलेट डी नंबर ऑफ मोल्स। तो अब मेरा पहला सवाल है 3.01 × 10⁻²⁴ एटम्स
ऑफ सोडियम, और दूसरा है कंपाउंड सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे फॉर्मूले को देखते हुए आप देखिए मोल निकालना है आपको, एटम्स की तादाद ये रही, ठीक है ना। इसे किससे डिवाइड करेंगे, 3.01 इंटू 10 की पावर 22, इससे करेंगे एवोगैड्रो से 6.02 इंटू 10 की पावर 22। पावर्स का खेल अलग, नंबर्स का खेल अलग। तो अब हमें नजर आ रहा है 3.01 को डबल करूं तो 6.02 होता है, इतना साफ साफ। तो ये 1 का और ये 2 का, इसका मतलब यहाँ क्या बचा, हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 ऊपर में 10 की पावर 23 नीचे है। तो जब ये 23 ऊपर जाएगा तो ये 24 से माइनस हो जाएगा, कितनी पावर बचेगी, 1। 1/2 का क्या मतलब है 0.5, और इधर से क्या बचा है 10 की पावर 5, यानी सिंपल 10, 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 आ गया। तो मैंने एक एक चीज अलग अलग करके दिखाई, जिसको मुझे उम्मीद है कि हमें से ज्यादातर कुछ आए, इतनी तफसील की जरूरत ना पड़े, वो इसके बगैर ही दवा नहीं पहुँच चुके होंगे। दूसरी जगह पर फिर वही कहानी है, अब मोल निकालने के लिए हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो है 6.02 इंटू 10 की पावर 22। इसे डिवाइड करेंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 22 से, बहुत आसान हो गया, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। और यहाँ आपने कहा 10 की पावर 22 माइनस 10 की पावर 23, ये होगा 10 की पावर माइनस 1, और इसका मतलब होता है 0.1। तो वही बात, तो ये हमने पार्टिकल्स की तादाद से मोल निकालना सीख लिया। अब उल्टी बात करते हैं अगर हम आपके लिए, कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अब इसमें पहली चीज है 2 मोल्स ऑफ CO2, और फिर आ जाए हाफ मोल ऑफ सल्फर। तो अब ये तय है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड लिख रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल होंगे, और जब हम सल्फर लिख रहे हैं तो ये एटम होगा। तो हम चाहें तो सिर्फ बात अच्छी बात, हमें तो आंसर नीचे के मैंने टिक लगाना होगा। यहाँ जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो क्या बनेंगे, 2 × 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसका मतलब है मैं 6.02 को डबल कर दूं तो ये बनेगा 12.04 इंटू 10 की पावर 23। अब चूंकि हमें आंसर गिवन होंगे तो हम उससे देखेंगे कि वो आंसर में से कौन सा इससे मैच कर रहा है। तो हमें इतना तो अंदाजा होना चाहिए कि हम इस पर्टिकुलर नंबर को यू भी लिख सकते हैं कि 12.04 की जगह पॉइंट को अगर एक नंबर लेफ्ट पर ले आऊं ये बनेगा 1.04, और जब मैं डेसिमल को लेफ्ट पर लाता हूं तो 10 की पावर 1 बढ़ जाती है, तो ऐसे हो जाता है। तो अब ये कहना कि कौन सा जवाब दुरुस्त है, हाँ इसके कोई मायने नहीं है। आपको 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, अगर इस तरह का ऑप्शन गिवन है तो भी चलेगा, नहीं तो इस तरह का गिवन होगा तो ये दोनों एक ही चीज़ है अलग अलग तरीके से। इसी तरह 0.5 को 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ये है हाफ, और जब आप किसी चीज़ को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब होता है उसको आधा कर देते हैं, तो 6.02 बन जाएगा 3.01। आप ट्रेडिशनल अंदाज से मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, आपको ये भी आंसर आता है। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हुआ जिसमें हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स देकर मोल निकाले, या मोल देकर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले। इसमें वाहिद चैलेंजिंग चीज ये बनती है, अगर फर्स्ट कर लीजिए हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ होता है, हम फर्स्ट ईयर में होते नॉर्मल तरीके से पढ़ होते तो ये सबसे हलवा बन जाता है, क्योंकि सब में एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है, कैलकुलेटर अलाउ है तो कुछ नहीं। यहाँ असल में आपकी जिस स्किल का इम्तिहान है कैलकुलेशन जबानी करते हुए आप ऐसे नंबरों को डील करें जिसमें पावर जब 10 रहे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं आएगा।
तीसरा और आखिरी फॉर्मूला जब हमने लास्ट टाइम बताया था तो सभी बात नहीं थी कि ये थोड़ा सा सिलेक्टेड कंडीशंस का है, नॉट एप्लीकेबल टू एवरी सिचुएशन. पहली बात बेसिक गैसेस के लिए, दूसरी बात अंडर एसटीपी. तो ये दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब अगर हमारे पास किसी गैस का वॉल्यूम गिवन हो इन डेसीमीटर क्यूब, ये यूनिट भी फिक्स कर दिया, डेसीमीटर क्यूब या लीटर किसी से, एट एसटीपी सारी कैटेगोरिकल सीधे सीधा मैं वॉल्यूम ऑफ गैस लिख सकता था, पर आगे लिखा करूंगा जब मुझे फॉर्मूले का रेफरेंस देना होगा आपको समझाने के लिए, आपको कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है तो इसलिए ये भी मैंने मेंशन किया कि वॉल्यूम शुड बी इन डेसीमीटर क्यूब एंड कंडीशंस आर एसटीपी. तो हम इसे डिवाइड करते हैं मोलर वॉल्यूम. यहाँ भी एक एडवांटेज है कि जिस तरह एवोगैड्रो नंबर एक फिक्स नंबर था, मोलर वॉल्यूम भी फिक्स है और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.2. तो बात इसका मतलब जब भी आप किसी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे दिया जाए डेसीमीटर क्यूब में, आप उसे 22.4 से डिवाइड कर देंगे. इसका डिराइव फॉर्मूला अगर बनाता हूँ तो क्या बन जाएगा, अगर मुझे किसी गैस का वॉल्यूम निकालना है डेसीमीटर क्यूब में एट एसटीपी, तो आई शुड टेक मोल इनटू मोलर वॉल्यूम, और क्योंकि मोलर वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स है तो इसका मतलब है मोल इनटू 22.2. अब यहाँ पर मैं कुछ याद दिला दूँ कुछ बच्चों को, ये जो एसटीपी है इट स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, और इसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर दरअसल है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम 273 कैल्विन कहते हैं, और स्टैंडर्ड प्रेशर है 1 atm, इसको हम 764 भी कहते हैं, ठीक है ना. तो ये बात यू याद दिलानी पड़ रही है कि तमाम गैसेस इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर इफ आर प्लेस्ड एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम प्रोवाइडेड दैट देयर नंबर ऑफ होल्स आर सेम. यानी ये एवोगैड्रोस लॉ था जो हम तीसरे से सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि तमाम गैसेस के इक्वल मोल्स अगर एक ही जैसे टेम्परेचर प्रेशर पर रखे जाए तो उनका वॉल्यूम सेम. इस लिहाज से अगर मैं दुनिया की सारी गैसेस का 1 मोल ले लूँ और सबको एक ही टेम्परेचर प्रेशर पर रखें तो उनका वॉल्यूम सेम. अब वो एक ही टेम्परेचर प्रेशर कौन सा होगा, तो हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बना लिया. अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी क्या है कि जो बोर्ड हमारा है कराची बोर्ड जिसे आप एनटीएस का पेपर, उसमें हम इस कॉन्स्टेंट को लिख सकते हैं. जो बच्चे ओ लेवल से आए ए लेवल से आए वो लोग यूज करते हैं आरटीपी, हम भी करते हैं कई जगह आरटीपी मगर यहाँ नहीं करते. आरटीपी स्टैंड्स फॉर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब जहाँ तक रूम टेम्परेचर प्रेशर है वो एसटीपी वाले प्रेशर के ही बराबर है, यानी 1 atm/7 इसका तो जगह नहीं लग रहा है टेम्परेचर का, रूम टेम्परेचर जीरो नहीं. रूम टेम्परेचर लिया जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में बन जाता है 290. इस तरह ये दोनों स्टैंडर्ड्स टेम्परेचर की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट है. तो अब जो बच्चे एसटीपी पर मोलर वॉल्यूम लेते हैं वो लेते हैं 22.4, और जो आरटीपी पर मोलर वॉल्यूम लेते हैं तो उनका मोलर वॉल्यूम ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और वो होता है 24 डेसीमीटर. तो जो बच्चे हैं हमारे ओ लेवल्स वाले उन्हें आदत है 24 की. अच्छा, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये ज़्यादा अच्छा है, ख़ासतौर पर इस सिनेरियो में जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो 24 से कैलकुलेशन करना फिर भी आसान है 22.4. लेकिन बहरहाल इससे ज़ाती ख्याल की कोई हैसियत नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस वाले 22.4 वाली कंडीशन को ही फॉलो करते हैं, वो आपको एसटीपी पर ही सवाल आते हैं. तो इसका मतलब है जिन बच्चों ने आरटीपी वाली कंडीशन से 24 याद किया हो ये ना समझो उनका कोई काम अलग था, उनका कॉन्स्टेंट चूंकि अलग था इसलिए वो ये वैल्यूज करते थे. अब उन्हें अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन अपने आप को चेंज करना होगा. कहते हैं ना कि वायलेंस डू वंडर एंड डू,
जब आप हमारे ग्रुप में हैं तो फिर हमारे वैल्यूज को यूज करेंगे। तो इसलिए याद रखेंगे कि ये 22.4 जो है हमारी वैल्यू। ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन आगे से क्वेश्चन कर लेते हैं दोनों फॉर्मूले से। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन पार्ट ई 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन एट SP2। अब मेरा ख्याल है कि आपके जहन में फॉर्मूले की शक्ल मौजूद है। तो यहाँ लिखी है वॉल्यूम, आपको डीएमपी उसमें दिया हुआ एसटीपी पर, और आप 22.4 से डिवाइड करें। तो अगर ऐसा है तो फिर कोई मसला ही नहीं। तो आपके पास मोल के लिए होगा तरीका 11.2 को आप डिवाइड करेंगे 22.4 से। मैंने नंबर बड़े आसान रखे, नजर आ रहा है इसको डबल करेंगे तो 22.4 बनेगा, 12.2 यानी कि हाफ। फिर दूसरी सिचुएशन में 44.8 लिखा है, अगेन इज अ वेरी सिंपल वन, 22.4 का डबल है। अब नीचे वन है ऊपर टू है, आंसर आएगा। सिंपल मल्टीपल्स वाली कैलकुलेशन करना बड़ी आसान है, इसलिए वीडियो है। फिर इसके बाद अगर हम इसका डिराइव फॉर्मूला यूज करते हुए आपको ये पूछें कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ गैस इन डीएमक्यू एचएसक्यू, टू मोल ऑफ ऑक्सीजन 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन। सो 2 मोल्स का मतलब है 2 × 22.4, तो ये जाएगा 44.8, क्योंकि ड्राइव फॉर्मूले में हमने कहा था जो वॉल्यूम निकालना है तो मोल इंटू मोलर वॉल्यूम फॉर्मूला बनेगा। इधर भी यही होगा कि आपका वॉल्यूम मोल इंटू मोलर वॉल्यूम बनेगा, और 22.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आएगा 112। करके भी देख सकते हैं, 5 का टेबल पढ़ना भी एक आसान तरीन बात, 5 × 20, 5 × 10 और 5 × 10 यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ एक डिजिट से ऊपर डेसिमल लगा दीजिए, 112 ना। ये करने की आदत है, मैं तो पहले डायरेक्ट लिख देता हूँ इस तरह। अब अगर मैं लास्ट 3 स्लाइड आपको दोबारा दिखाऊँ, इसमें हमने मोल के फॉर्मूले नंबर 1 को किया, ठीक है ना, उसके दोनों तरीकों को, मास निकाल देकर मोल निकालना, मोल देकर मास निकालना। फिर हमने यही काम सेकेंड फॉर्मूले से किया, पार्टिकल्स दे के मोल निकालना, मोल दे के पार्टिकल्स निकालना। फिर यही काम हमने वॉल्यूम के साथ किया, लेकिन पहले उसके फॉर्मूले की खासा पर एसटीपी के हवाले से और आरटीपी के हवाले से दूर किया है, और फिर उसके बाद हमने ये इसको भी किया। इस तरह फॉर्मूले 3 है, ड्राइव फॉर्मूले मिला दो तो 6 हो गया। यानी आपने मोल पार्टिकल्स की तादाद, मास इन ग्राम और वॉल्यूम ऑफ गैस, इन तीनों के साथ इंटर कन्वर्ट करने का तरीका सिखा। तो अब अगर मैं आपके सामने अपनी पूरी दास्तान की समरी बना दूं, तो वो समरी ये है कि आपका जो ये मोल है ये तीन चीजों के साथ इंटर कन्वर्ट हो रहा है, यानी इससे 3 ट्रैक्स निकलते हैं, है ना, टू वे हाईवे बराबर, टू वे जाने का रास्ता, आने का रास्ता। किससे? अगर हम मोल से मास पर जाना चाहें
मास इन ग्राम, हम मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जाना चाहते, हम मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस एलएसटीबी को जाना चाहते। तो हमें असल में क्या करना है, हमने कहा मोल और मास इन ग्राम का रिलेशन ये है कि अगर आप मास इन ग्राम को मोल की तरफ आना चाहते हैं तो आप डिवाइड करेंगे मोलर मास, और अगर आप मोल से वापस मास इन ग्राम में जाना चाहते हैं तो आप इसी चीज से मल्टीप्लाई करें। अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना चाहते हैं मोल से, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल निकालना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल निकालने के लिए आप एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे, और अगर आप मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसी तरह अगर आप वॉल्यूम ऑफ गैस से मोल निकालना चाहते हैं तो आप डिवाइड करेंगे 22.4 मोलर वॉल्यूम से, और अगर मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना चाहते हैं तो 22.4 से मल्टीप्लाई। ये तीनों फॉर्मूलों में आपको आपने उसकी समरी एक तरह से आपके सामने आ गई। इसमें एक बहुत आसान सी बात यह है कि जब भी आपको मोल के पास जाना है, मोल निकालना है, फॉर्म एनी गिवन आप डिवाइड, इससे डिवाइड करेंगे इन केस ऑफ मास इन ग्राम मोलर मास से, इन केस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगैड्रो नंबर से, और इन केस ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस मोलर वॉल्यूम से। और अगर मोल से किसी चीज की तरफ जाना है तो हमेशा मल्टीप्लाई। ये बात मैंने इसलिए कही जब ये काम हो चुका था, सारे के मुझे सवाल भी करके आ गया, इसलिए कि ये जो हमने अभी फेस किया है ये था इनिशियल मोल के सिंपल सवाल। अब उसमें थोड़ी सी एडवांस बात यह आएगी कि हमें एक ही सवाल में दो स्टेप्स करना है। इस तरह अगर मैं आपको मास इन ग्राम देकर आपसे कहूँ कि आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते, तो ये जो नक्शा मैंने बनाया है ना, ये नक्शा आपको ये बता रहा है कि देर इज नो डायरेक्ट ट्रैक, उनका आपस में कोई डायरेक्ट ट्रैक नहीं है, यानी मास इन ग्राम डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। आपको रास्ता दिखाएं, इधर से इधर आने का तो कोई रास्ता नहीं, तो आपको क्या करना है कि आपने पहले मास इन ग्राम से मोल निकालना है और फिर मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसके लिए क्या होगा, मास इन ग्राम को डिवाइड करेंगे मोलर मास से, और फिर जब मोल आ जाएगा तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर दो ऑपरेटर कर रहे हैं। ये है वो चीज़ जो अब हम आपके लिए कहना चाहते हैं। सेम इसी तरह ये आप ये भी कह सकते हैं कि मास इन ग्राम हम आपको दें और आपसे कहें कि आप वॉल्यूम ऑफ गैस निकालें, तो भी यही होगा, आप पहले मास इन ग्राम से मोल की तरफ आएंगे और फिर मोल से वॉल्यूम ऑफ ग्राम, तो दो फॉर्मूले लगाएंगे, पहले मास इन ग्राम को डिवाइड करेंगे मोलर मास से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 22.4, ठीक है ना। तो इस तरह आप सोचिए और कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर मैं मास इन ग्राम से नंबर ऑफ पार्टिकल्स से जा सकता हूँ तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मास इन ग्राम मास इन ग्राम से वॉल्यूम पे जा सकता हूँ, तो वॉल्यूम से मास भी पूछ सकते हैं, इसी तरह वॉल्यूम से पार्टिकल भी पूछ सकते हैं, पार्टिकल अगेन यहाँ छह कॉम्बिनेशन। यानी मैं आपको इन तीनों चीजों में से किसी एक की इंफॉर्मेशन देकर आपसे कोई दूसरी चीज पूछ सकता हूँ, तो दो काम करने होंगे, एक दफा डिवाइड एक दफा मल्टीप्लाई, बस याद ये रखना है पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई किससे। तो ये दो सिंपल मल्टीप्लीकेशन डिविजन होंगे जिसमें हमारा काम ये होगा कि इस बात का ख्याल रखें कि आपको आसान नंबर दें या ऐसे नंबर दें जो इजली मल्टीपल या डिविजिबल है, ताकि आप नहीं देंगे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब ऐसे क्वेश्चंस पर आपकी तवज्जो दिलाते हैं, तो अब हमारी जो मजीद प्रैक्टिस है तो इस टाइप की चीज़ों पर होगी। तो आइए देखें, कैलकुलेट मास सबसे पहले हमने कहा कैलकुलेट दी मास ऑफ 3.01 × 10²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस दफा हमने पार्टिकल्स देकर मास पूछा है, और इसके बराबर में दूसरी
टाइप भी लगा देते हैं, और वो है 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट वॉल्यूम देखे भी मास और पार्टिकल देखे, मास के दोनों अंदाज से कंप्यूटर मिल जाएगा। अब करने का तरीका क्या है कि देखिए मुझे मास निकालना है, तो अगर मैं चार्ट पर आ जाए तो मुझे मास निकालना है, मैं यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, तो मैं नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल पे जाऊंगा तो डिवाइड करूंगा एवोगैड्रो नंबर से, और जब मोल से मास इन ग्राम पे जाना होगा तो मल्टीप्लाई करूंगा मास से। ये स्ट्रेटजी मुझे रखनी है। तो अब सबसे पहले मैं इससे मोल निकालूंगा, और ये आपको सिखाया जा चुका है पार्टिकल से मोल निकालने के लिए आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं। तो अब ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कैलकुलेशन की थी, यही मैं आपको कह रहा हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप सिमिलर हो जाएंगे नंबर, अगर आप कहेंगे तो हम बगैर सोल्यूशन पे कर सकते हैं। तो ये 20 सेम पावर कैंसिल, ये नजर आ रहा है 3.01, तो डबल करेंगे 6.02 होगा, हाफ यानी कि 0.5। फिर मैंने आपसे कहा ओके अब मोल आ गया है तो इससे मुझे मास निकालना है, फॉर्मूला है मोल इनटू मोलर मास, ठीक है ना। क्या आया मोल 0.5, मोलर मास कितना है CO2 का 44, छोटा मॉलिक्यूल है, बड़े मोल से निकला है। हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है आधा कर दीजिए, इधर आ जाइए। सबसे पहला काम यही होगा कि आप मोल निकालें, और उसके लिए आप गिवन वॉल्यूम जो कि डेसिमल के क्यूब में है उसे 22.4 से डिवाइड करेंगे। फिर आसान नजर आ रही है बात, ये सिंपली हाफ यानी कि 0.5 मास निकालना है, तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे पीछे लिखा हुआ है, और अब हाइड्रोजन का मोलर मास भी होता है को हाफ से मल्टीप्लाई करने बन गया। आसान बात लग रही है, ओके आगे बढ़ते हैं। ये था मास निकालना है फ्रॉम द अदर टू इंफॉर्मेशन, और भी चीजें देखनी समझ। अब हम आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्ट, मैंने आपके सामने दो सवाल रखे, एक में मास इन ग्राम देकर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक में वॉल्यूम देकर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो मैंने तो सबसे पहले आप इसके मोल निकालें, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी है आप पहले मोल निकालेंगे 23 से डिवाइड करेंगे। कैसे होगा भाई, तो आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि 23 को डबल करते हैं तो क्या बनता है 46, ये कितना है 4.6। अगर ये 46 होता तो ऊपर 2 आता नीचे 1 आता, क्योंकि ये 4.6 है तो ऊपर 0.2 आएगा, ये 0.2 हमारा जवाब आया। 0.2 हमारे मोल्स हैं और हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.2 को 6.02 × 10 की पावर 26। 2 को अगर 6.02 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है 12.04। ये 0.2 है तो फिर ये वाला 0.2 आएगा, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 1.04 × 10 की पावर 26। इधर देखेंगे फिर वही बात है, आपको वॉल्यूम दिया, जो चीज आपको दिए पहले उससे मोल निकालेंगे, फिर मोल से उस तरफ जाएंगे जिस तरफ आपको जाना है। इसका मोल कैसे निकलेगा, फिर थोड़ी आसानी की बात है, ये डेसिमल्स का खेल है, ऊपर 2.24 है नीचे 22.4, यानी इधर डेसिमल के बाद दो डिजिट है, इधर डेसिमल के बाद, और तकरीबन नंबर सेम है, तो इसका सिंपल मतलब है जवाब आएगा 0.1, क्योंकि चीज ये है कि ऊपर भी 22.4 होता है नीचे भी 22.4 होता है, वहाँ चला था 1, क्योंकि ये 0.1 नंबर पहले ही आया है तो वहाँ 0.1। अच्छा
इस तरह बेशक वही मैंने कहा ना, ये वो चीजें नहीं, जो अगर हमें नहीं आती हैं कैलकुलेटर करके कंफर्म करें और फिर समझना है कि क्या ट्रिक है। अच्छा, फिर इसके बाद पॉइंट वन मेरे पास है, मुझे निकालने में नंबर ऑफ पार्टिकल 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 एवोगैड्रो नंबर है 6.02 × 10^23। जब 0.1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 0.602 × 10^23, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर अब मैं पॉइंट वापस 6 के बाद ले जाना चाहूँ तो 1 पावर कम करनी पड़ेगी। मैंने कहा था डेसिमल लेफ्ट पे जाए तो पावर बढ़ती है, डेसिमल राइट पर आए तो पावर कम। तो ये भी जवाब सही है और ये भी जवाब, एक ही जवाब जो तरीके से लिखा हुआ है, ऑप्शन जैसा लिखा हुआ आपने वैसे करना। अब मैंने मास निकलवाया वॉल्यूम और पार्टिकल से, अब पार्टिकल से निकलवाए मास और वॉल्यूम से, अब तीसरी और आखिरी चीज रह गई वॉल्यूम निकलवाऊं मास और पार्टिकल से। कैलकुलेट डी वॉल्यूम ऑफ गैस इन डीएम क्यूब एट एसटीपी। पहला केस 40 ग्राम SO2 और दूसरा केस करें 3.01 × 10^24 मॉलिक्यूल्स मास देखे वॉल्यूम और पार्टिकल्स। सबसे पहला काम वही है जो बार बार कह रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसे मोल बनाए। 40 को मोल बनाने के लिए SO3 का मॉलिक्यूलर मास चाहिए, वो है 80। सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, फॉरन निकाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा 0.5। 0.5 से वॉल्यूम निकालना है तो तरीका है कि मोलर वॉल्यूम यानी 22.4 से मल्टीप्लाई करें, हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब आधा कर दें, 11.8। इधर भी ये कीजिए कि सबसे पहले मोल निकालिए 3.01 × 10^4 डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से 6.02 × 10^23। नजर आ रहा है इसका भी कैलकुलेशन अभी थोड़ी देर पहले भी हो चुकी है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये बना हाफ, और यहाँ 10^24 में से 23 माइनस होगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 व्हिच इज सिंपली 5। 5 मोल से मुझे वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए मैं 5 को 22.4 से मल्टीप्लाई करूंगा 112 के से। सारा खेल क्या है कि आपको दो चीजें आनी चाहिए, पहली केमिस्ट्री, अब ये फॉर्मूले का एक गोल धंधा आ गया आपके पास, बेसिक फॉर्मूले 3 है, उनसे 3 ड्राइव हुए और उनकी आपस में हमने हर तरह से कन्वर्जन किया। तो खेल वही है कि आपको सही टाइमली याद हो किस वक्त किस चीज से मल्टीप्लाई और किस चीज से डिवाइड करना, तो ये केमिस्ट्री है। और फिर उस डिवाइड और मल्टीप्लाई में मुझे जो टेबल पढ़ने हैं और कैलकुलेशन करनी है, तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पहले ये इत्मीनान है कि अगर मेरे पास कैलकुलेटर होता तो मैं एक सवाल कर लेता, इसका मतलब है केमिस्ट्री आती है। फिर अटकन पटकन कहाँ है सिर्फ कैलकुलेशन पर, उसके लिए मैंने आपको कहा सबक सबसे बड़ी चीज़ है, आपने कैलकुलेशन करते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो इत्मीनान से बच्चों की तरह मल्टीप्लाई डिवाइड करें और उसमें जितना टाइम लगता है, जब आप कुछ सवाल आप करेंगे तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि फिर किसी कोई इशू नहीं रहेगा, लेकिन जल्दबाजी करेंगे जंप करेंगे तो मसला खराब होगा। ये अब मैंने मोल और एवोगैड्रो नंबर के हर एस्पेक्ट को आपके पास रख दिया। व्हाट वी नीड इज इन प्रैक्टिस दैट इज व्हाट जो मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह, और इसीलिए दूंगा ताकि आपकी मेरी नेक्स्ट क्लास से पहले इसमें और अच्छी स्किल हो जाए। ये मैं ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, इसमें थोड़ी थोड़ी बातें और करूँगा, इसमें और अभी एक मुश्किल चीज़ भी की जा सकती है तंग करने के लिए, और वो आते हैं सवाल क्या करें इसमें करने पड़ेंगे, तो वो हम करेंगे वेरी क्विकली। मैं पहले
जब से नजार साहब ने ये मोल वाला चक्कर चलाया है। वो स्लाइड दोबारा आपको दिखा दूँ। ये थे फॉर्मूले तमाम जिनको मैंने आपके सामने बनाया था और कहा था कि मोल तीनों तरफ कैसे जा सकता है और आ सकता है। फिर इसके बाद हमने इन्हें अप्लाई किया। फर्स्ट केस मास निकालना है फॉर्मर ऑफ डिफरेंस पार्टिकल्स और वॉल्यूम से। अगर मास निकालूँ तो कैसे निकालूंगा? फिर अगर मेरे पास पार्टिकल्स निकालने हो फ्रॉम मास एंड वॉल्यूम तो कैसे निकालूंगा? उसकी दोनों एग्जाम्पल्स मैंने की। और फिर लास्ट और लीस्ट वॉल्यूम निकालूँ अगर मास और पार्टिकल से। तो ये सारा काम हमने किया। दिस इज ऑल अबाउट मोल देन एवरेज नंबर। बट मैंने कहा प्रैक्टिस हमेशा चाहिए होती है। तो एक तरीका ये होगा कि मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और दूसरा तरीका ये होगा कि हम संडे वाली क्लास में भी थोड़ा सा इसे और डिस्कस करेंगे। बल्कि मैं करूंगा ये कि इस असाइनमेंट में जस्ट फॉर द चेक, क्योंकि हमारा ख्याल ये कि जो बच्चा समझदार हो ये खुद कर सकता है, बताया जाता है कि जो एक मेरे जहन में है टाइप रह गई है उसके भी दो एक सवाल डाल दूंगा। असाइनमेंट ये वो टेस्ट रहेंगे ये जो आपको बड़ी परेशानी हो आपको मदद मिलेगा, ताकि जो बच्चा खुद से कर लेगा उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बड़ा खुश होगा। और जो इंटरेस्ट होगा तो भाई हम कराएंगे और क्या, तो इतनी बड़ी बात थोड़ी है। ये इसे फिसले के थोड़ा सा आपके अंदर भी जोर पैदा हो। तो नेक्स्ट मेरी क्लास में इंशाल्लाह मेन चीज आफ्टर डूइंग दिस टू थ्री क्वेश्चंस मोर फ्रॉम मोर एंड अदर गैस नंबर टू की ये केमिकल इंस्ट्रूमेंट। तो मैं फिर दरख्वास्त कर लूंगा आपको कि आप उसे थोड़ा सा पढ़ के देखें पहले से, ताकि थोड़ा रफ अंदाज आपको हो जाए। ये वही थी कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस, इसमें मास मास रिलेशन से, मास वॉल्यूम रिलेशन से, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन से, बाकी कला के लिए 9th में ये ना, क्योंकि तो बहुत बड़ी चीज हो गई। सिर्फ फर्स्ट ईयर में जो एडवांस बात आ गई थी वो ये थी जिसमें लिमिटिंग डेट नंबर कॉन्सेप्ट आ गया, अदरवाइज ऑलमोस्ट सारी वो चीज हो रहा है। दोबारा हम सब करेंगे तो एक नज़र देख रखेंगे तो हमारा स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो बात कोई सवाल कोई बच्चा पूछना चाहता है तो वो रेज हैंड कर सकता है। ऐसा करने से मुझे ये इत्मीनान होगा कि ये सारी बातें करते वक्त आप सब याद रहे थे, बहना कोई समझ रहा हो सब पूरी बातें अपने अपने आप से करते जा रहे हैं। तो अब कोई नहीं पूछता है तो इसके ना मशहूर जमाना डायलॉग है जिसमें दो मतलब एक ये सबकी समझ में आ गया और दूसरा ये कि सबकी समझ में वाकई आ गया। क्या ख्याल है? ऐसे तो नहीं कहना चाहिए ना कि किसी की समझ में कुछ नहीं आया, तो किसी की बात। तो इस तरह सबकी समझ में आ गया माशाल्लाह तुम्हारा। अब हम इसका चेक रख लेंगे इंशाल्लाह ताला आपकी नेक्स्ट क्लास से पहले ही। एक ग्रुप में हम शेयर कर देंगे लिंक और अब आपको आदत हो गई है मंडे का टेस्ट दिया था जिस तरह, बिल्कुल इसी तरह होगा। आपको गूगल ड्राइव पर एक फॉर्म मिलेगा जिसमें बस सिर्फ केमिस्ट्री के 15 सवाल होंगे और आप उसका रिस्पॉन्स हमें दे देंगे और हम आपको उसका रिजल्ट दे देंगे। ठीक हो गई बात? थैंक यू वेरी मच। हम इस क्लास को यहाँ पर एंड कर रहे हैं।